क्या सही बच्चे लोग को रिकॉर्डिंग का वॉइस आया? सारे बच्चे लोग को आया ना? यस सर। बच्चों, सभी बच्चे लोग को वेरी गुड इवनिंग। आई होप बहुत सब काफी अच्छे होंगे। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है ना? लेकिन होता क्या है, जब हम हैलोजन कंपाउंड से पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना, तो वहां पे आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता, ठीक है? तो उसके बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। एंड हम आपका जो स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला पार्ट है, ऑप्टिकेटिव क्या होता है, इनेंशियोमर क्या होता है, रेसिम मिक्सचर क्या होता है, ठीक है ना, तो हम उस सब के बारे में आज पढ़ने वाले, ठीक है बच्चों? डन, ठीक है ना? यस तो आज हम वो टॉपिक से बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना? तो बच्चों क्लास को ध्यान समझना, हम पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान सर्वे समझना, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्या बच्चों, ये आपका कल हमने जो पढ़ा था, कल हमने जो पढ़ा था दैट दैट इज रिग्नार्ड रीजन के बारे में जो पढ़ाई किया था, वो आपका इसके बारे में टॉपिक है। अब देखो हमने क्या देखा था बच्चों, आप ये बोलोगे हमने क्या लिया था? हमने R और X लिया था, मतलब हमने आपका अल्काइल हाइड लिया था, और क्या क्या बच्चों हमने यहाँ पे मैग्नीशियम भी रेड किया, ठीक है ना? इसमें किसने बच्चों ड्राई इथर में, राइट, ड्राई इथर में लिया, हमारा क्या बना बच्चों? हमारा RMgX बना। मतलब आप क्या बोलोगे, ये एम जी कहाँ पे जा रहा है बच्चों? ये आपका इस दोनों के बीच में जा रहा है, हाँ ना? इतना हमने देखा। फिर हमने क्या किया देखो, फिर हमने क्या किया बच्चों देखो, फिर हमने इसको वाटर में ऐड किया, तो वाटर में ऐड किया, क्या क्या बना? ऐसा बना बच्चों, H+ बना, OH- बना, राइट? अब देखो हमने क्या देखा, ये हमने ये देखा था दैट इज RMgX देखा था, तो क्या होता बच्चों, बॉन्ड आपका इस तरफ ब्रेक होता है, लेवी बनेगा नेगेटिव और ये बनेगा आपका पॉजिटिव, राइट बच्चा? हाँ या ना सारे बच्चे? ये हमने पढ़ाई किया था। तो क्या हो बच्चों, आप क्या बोलोगे, हमारा क्या बनता है? हमारे यहाँ पे आपका R और H बनता है, और क्या बनेगा बच्चों आपका एम जी ओ एच एक्स बनता है, ये हमारा आंसर बनता है। तो पूरा पार्ट हमने कल पढ़ाई किया था। अब देखो ये जो आपका पहला वाला क्वेश्चन है, ये आपका जो पहला वाला क्वेश्चन है, ये आपका सेम पार्ट से बेस्ड है। यहाँ पे हो क्या रहा बच्चों, यहाँ पे आपका क्या, यहाँ पे आपका साइक्लोबेन, यहाँ पे क्या बच्चों, साइक्लोहेक्सेन है, क्या बच्चों ये आपका साइक्लोहेक्सेन है, ऊपर के बच्चों यहाँ पे आपका Br जुड़ा हुआ है, तो आप क्या बोलो बच्चों, किसका नाम क्या है? 1-ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन का नाम है। अब देखो आप क्या बोलो बच्चों, इसको हमने एम जी सिलेक्ट करा है, और यहाँ पे लिखा बच्चों, यहाँ पे लिखा है ड्राई, और क्या बना बच्चा, ए बना। आपको ये पूछा है कि ए हमारा क्या है, आपको ये पूछा है हमारा ए क्या है, ठीक है बच्चे? हाँ है ना सारे बच्चे? डन। अब देखो तो ए हमारा क्या हो बच्चों, ये बन जाए, दैट इज सिंपल सी बात है। हमें करना क्या बच्चों, हमें एम जी को इन दोनों के बीच में ऐड करना है। कैसा बने बच्चा, ऐसा बनेगा दैट इज ये आपका साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ पे आए बच्चों, यहाँ पे आपका एम जी आ जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, बी आर आ जाएगा, हाँ ना बच्चों? तो ये क्या होगा बच्चों, ये आपका ए बन गया, ठीक है, ये आपका ए बन गया। अब देखो अभी क्या बच्चों, अभी आपको यहाँ पे डाला है वाटर, तो वाटर में क्या हो, जैसे मैंने बताया था सेमी पार्ट आएगा, और क्या बने बच्चों, ये ऐसा बन जाएगा, ये आपका यहाँ पे, आपका क्या, यहाँ पे आपका साइक्लोहेक्सीन बन जाएगा, राइट बच्चों? और क्या होगा बच्चों, आपका एम जी ओ एच बी आर बन जाता है, बी आर बन जाएगा। तो क्या है बच्चों, क्या बना, ये आपका ए होगा और ये आपका बी होगा बच्चों, ठीक है ना? सारे बच्चे इसको प्रॉपर नोट डाउन कर लो, तो हम समझ गए पाठ हमने कैसे, डन सारे बच्चे? हाँ या ना, समझ गए सारे बच्चे? बोलो बच्चों। यस ओके, तो ये वाला पार्ट हमने आज प्रॉपरली पढ़ाई कर लिया, ठीक है बच्चों, ये वाला पार्ट हो गया। ओके अब भी बच्चों सेम देखो, सेम आपका ये ऐसा दूसरा क्वेश्चन है, और ये आपका तीसरा क्वेश्चन, काफी सिंपल है ये, आपका काफी सिंपल है। आपको देखो, आपको पता ये होना चाहिए कि क्या से क्या बन रहा है। देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, देखो ये क्या है बच्चों, ये क्या बच्चों, यहाँ पे आपका डी बन रहा है, और यहाँ पे लिखा आपका डी टू लिखा है,
ऐसा होगा ना बच्चों, ऐसा लिखा होगा देखो, डी टू ओ होगा, तो कैसा कैसा बनेगा, कैसा बनाओ बच्चों, ऐसा बना होगा, दैट इज ऐसा बना होगा, है कि नहीं, डी पॉजिटिव एंड ओ डी नेगेटिव, हाँ है ना बच्चों, ऐसे बना होगा, है कि नहीं। तो अगर पूछा, अगर आपको पूछा है कि ये आपका सी क्या है, आपको पूछा है आपका सी क्या है, तो ये भी आपका काफी सिंपल क्वेश्चन बच्चों। देखो ये दिख रहा है बच्चों, ये आपका आर है, देखो ये आपका आर है, और ये पार्ट आपको, वो ये आपको सी बता रहा है सर, आपको। आपकी वॉइस नहीं आ रही। यस सर, हेलो, मेरी आवाज सबको आ रही है बच्चों, हाँ है ना। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। विशाल, मेरी आवाज आ रही है, आप एक काम करो, आप ग्रुप को लेफ्ट करके वापस जाइए, ठीक सर कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। है, आप एक बार लेफ्ट करो बच्चा, लेफ्ट हो गया, आई गेस लेफ्ट हो गया, ओके फाइन। तो ये पार्ट हमने कर लिया बच्चों, देखो तो हमें करना है, हमको सी निकालना है। देखो काफी सिंपल क्वेश्चन है, आपको आराम से दे दो, अगर मान के चलो ये मेरा आपका, ये मेरा क्वेश्चन, ये मेरा क्या बच्चों, ये मेरा आंसर है, तो मेरा आर क्या हो बच्चों, आर मेरा क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे बच्चों, ये क्या बच्चों, ये प्रोडक्ट पर क्या, ये प्रोडक्ट क्या बच्चों, ये मेरा आर है, तो कैसे बना बच्चों, ऐसा बना होगा, देखो ऐसा बना होगा, देखो क्या समझ रहे, देखो इसको वापस सबसे छोटा करता हूँ, अब जो कैसे बना होगा, तो ध्यान समझ दो, ऐसा बना होगा, देखो ऐसे लिखा होगा, दैट इज CH3, CH, CH3, Br, ऐसा होगा बच्चों, हाँ या ना, ऐसा हो सकता है, बोलो बच्चों कौन सा, बोलो बच्चों, ये मैं आपको सेकंड वाला पार्ट है वो बता रहा हूँ, ये पार्ट है, और यहाँ पे क्या बच्चों लिखा है, यहाँ पे लिखा है Mg, तो यहाँ पे मैग्नीशियम आ गया, तो क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे आपका रिगनार्ड रीजन बनेगा बच्चों, है ना। तो सी क्या हो बच्चों, आपका सी क्या बनेगा, सी आपका ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा बच्चों, देखो ऐसा बनेगा, दैट इज सी, CH3, यहाँ पे एच है, यहाँ पे आपका CH3, और यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा Mg और Br, एड बच्चा, तो क्या बच्चों, ये क्या बच्चों, ये आपका सी वाला पार्ट, डन मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना। यस सर। अब क्या आया बच्चों, अब क्या आया होगा बच्चों, यहाँ पे देखो ध्यान समझ दो, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है डी टू ओ, मतलब का ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम वाटर है, मतलब हैवी वाटर है, तो ये सब बनाओ बच्चों, ऐसा बनाओगा, दैट इज डी पॉजिटिव एंड ओ डी नेगेटिव, राइट। अब क्या बच्चों कैसा होगा, ये बॉन्ड आपका ऐसा ब्रेक हो जाएगा, राइट, तो कैसा बने, ऐसा पार्ट बनेगा, ये आपका होगा नेगेटिव पार्ट, और ये बना डी वाला पार्ट, क्या बच्चों ये डी का पे जाएगा, ये आपका यहाँ पे अटैक हो जाएगा, तो क्या बनेगा, ऐसा बनेगा बच्चों, ये आपका बना, कौन सा, ये आपका बन जाएगा, समझ पड़ा बच्चे ये पार्ट कि नहीं पढ़ा सारे बच्चे, ये क्या बच्चों, ये आपका यस आर जी एक्सल पार्ट है, तो आपको बच्चों एग्जाम में इसको आपको से प्रॉपरली पढ़ाई करना, सॉल्व चाहिए, ठीक है, डन सारे बच्चे, हाँ या ना, सर, यस सर, यस सर। जी बच्चा, अभी जो थर्ड पार्ट है बच्चों, ये होगा आपका होगा, ये मैं आपको एंड में कराऊंगा, लेकिन आपको समझ में आएगा, काफी सिंपल क्वेश्चन कर लिया, मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी हम क्या पढ़ने वाले बच्चों, अभी हम पढ़ने वाले आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बारे में पढ़ने वाले, यहाँ पे लिखा क्या बच्चों, देखो लिखा लिखा ही है, दैट इज अरायल हैलाइड्स, के लिए बच्चों अरायल हैलाइड्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव देन द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इसके रीजन बच्चों देखो ये पार्ट, अब देखो सबसे मुझे बताओ क्या ये पार्ट सबको समझ में आया बच्चों, ये जो हमने क्वेश्चन किया सबको समझ में आया बच्चों, हाँ या ना, सबसे हम आगे, यस सर, ओके, यस तो यहाँ पे हो क्या बच्चों, हम यहाँ पे आर एम जिसके बारे में पढ़ने वाले, ठीक है ना, ये पढ़ने वाले, अब देखो अभी मैं आपको बताऊँ आपका न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन के बारे में बताता हूँ, देखो अब देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल होता क्या है, तो आप क्या बोलो बच्चों, आप क्या बोलोगे, ऐसे कंपाउंड इसमें क्या होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, आपका नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, एग्जाम्पल के बच्चों, जिससे क्या होगा आपका वाटर ओएच माइनस होगा, या तो आपका सी एन माइनस होगा, ये क्या बच्चों, ये सब क्या है, ये सब आपके न्यूक्लियोफाइल है, हाँ है ना बच्चों, यस या नो, राइट। अब देखो यस अब यहाँ पे ये, हाँ अभी देखो अभी यहाँ पे ये बोला गया है कि जो आपका एरोमेट, जैसे ये पार्ट, जैसे आपका क्लोरोबेंजील पार्ट है, या आपका जितने भी आपको हेलो और इनके पार्ट्स क्या बच्चों क्या करते हैं, देखो हमने क्या देखा था,
आता है ये आपका ऑर्थो पोर्शन पे और पैरा पोर्शन का। तो बच्चों यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। हाँ है ना बच्चों, यस या नो, होता yes, है sir. ना। अब देखो आप क्या बोलोगे, ऑर्थो और पैरा पे क्या, और आपका नेगेटिव चार्ज हो रहा है। अब देखो न्यूक्लियोफाइल के बच्चों इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है और आपका ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन, तो क्या बच्चों क्या होगा, आपका अटैक ही नहीं कर पाएगा। बिकॉज देखो क्या बच्चों, ये भी नेगेटिव है, देखो ये भी आपका नेगेटिव है और आपका ये भी नेगेटिव, क्या क्या हो बच्चों, रिपल्सन होगा, बॉन्ड बनेगा ही नहीं बच्चों। हाँ है ना, यस या नो, है ना। यस सर। अब देखो यहाँ पे लिखा क्या बच्चों, देखो लिखा ये है पहला पॉइंट, पहले से क्या बच्चों, पहला इसका रीजन है इसका रेजोनेंस, पहला इसका है रेजोनेंस का रीजन है। अब रेजोनेंस क्यों बच्चों, देखो देखो सिंपल से बात है, क्या लिखा बच्चों, इन हैलोजन द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ हैलोजन आर एटम आर द कंजुगेट विद द पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द रिंग। अब देखो क्या बोला आपका, रिंग में क्या बच्चों पाई इलेक्ट्रॉन्स है, कहां पे इलेक्ट्रॉन्स बच्चों, क्या देखो ये क्या बच्चों, ये आपका पाई इलेक्ट्रॉन्स है और ये भी आपका पाई है और ये सारा आपका पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखो इससे क्या हो रहा है, जैसे क्या हो रहा है, जैसे आपका रेजोनेंस फॉर्मेशन हो रहा है, आप क्या बोलोगे बच्चों, आपने ये बोलोगे दैट इज आपका ऑर्थो पोजीशन पे और जो आपका पैरा पोजीशन पे, यहाँ पे क्या रहा बच्चों, यहाँ पे आपका, यहाँ पे क्या रहा बच्चों, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, जिससे क्या हो रहा बच्चों, जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, जो आपका न्यूक्लियोफाइल क्या हो बच्चों, वो यहाँ पे अटैक कर नहीं पाएगा। तो क्या लिखा बच्चों, क्या लिखा देखो, लिखा है दैट इज द सी सील बॉन्ड इज एक्वायर्ड अ पार्शियल डबल बॉन्ड। क्या देखो यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका कार्बन और कार्बन आपका और आपका पार्शियल डबल डबल बॉन्ड बन रहा है, इससे क्या लिखा बच्चों, लिखा है द बॉन्ड क्लीवेज इन हेरोल्किन इज डिफरेंट। क्या हो रहा बच्चों, यहाँ पर जब बॉन्ड कैसा बच्चों, बॉन्ड आपका ब्रेक नहीं होगा। और क्या बोला बच्चों, लिखा है दे आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक, क्या लिखा बच्चों, दे आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इतना सब कुछ समझ में आया बच्चों, क्यों बच्चों, हाँ या ना, डन? यस सर। यस सर। अब देखो वापस बदलो, वापस बता रहा आपको समझ दो, न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या है बच्चों, ये तो आपका ओ एच माइनस आएगा, ये तो आपका सी माइनस आएगा। अब क्या हो बच्चों, क्या होगा, क्या हो बच्चों, ये सी निकलेगा और आपका ओ एच माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, ये आपका बोलने की कोशिश करेगा। लेकिन होता क्या बच्चों, देखो यहाँ पर तो होता क्या है, जैसे ही आपका रेजोनेंस बन जाए तो क्या होगा बच्चों, क्या होगा आपका, अब क्या बोलोगे, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे आपका कार्बन और क्या बच्चों, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड कैटर बॉन्ड बन रहा है। अब देखो ये जो आपका डबल बॉन्ड होगा क्या होगा बच्चों, इसको ब्रेक करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो क्या होगा बच्चों, क्या होगा, हम ये बोलेंगे जो आपका न्यूक्लियोफाइल आ रहा है क्या बच्चों, ये क्या होगा, ये होगा आपका लेस, ये क्या होगा बच्चों, ये आपका लेस रिएक्टिव होगा। क्या होगा बच्चों, ये आपका लेस रिएक्टिव। क्या पढ़ समझ बच्चों, है ना, डन सारे बच्चे, ओके यस सर। ये आपका पहला पार्ट, हम बात करते हैं सेकेंडरी पार्ट। देखो हम बात है सेकेंडरी पार्ट, अब देखो अभी क्या बोला बच्चों, देखो ये आपका सेकेंडरी पार्ट है, अभी क्या बोला, देखो ये पार्ट देखो, देखो ये क्या बच्चों, ये आपका कार्बन है और ये आपका हेलोजन है, एक कार्बन है और हेलोजन है, और कैसा बच्चों, ये कैसा है, ये आपका एसपी टू कार्बन है। क्यों बच्चों, बिकॉज यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं अल्काइल हैलाइड के बारे में, जब खाली आपका आर और एक्स की बात करते हैं, यहाँ पे क्या बच्चों कैसा होता है, यहाँ पे आपका एसपी थ्री हाइब्रिड होता है ना, यहाँ पे आपका एसपी थ्री हाइब्रिड मतलब कि आप सारे सिंगल मोड होते हैं। अब देखो जब बात करते हैं आपका एसपी थ्री के बारे में, जब बात करते हैं एसपी टू के बारे में, जब बात करते हैं एसपी के बारे में, तो आप क्या बोलो बच्चों, आप क्या बोलो बच्चों, एस कितना है, एस यहाँ पे 50% है और पी कैसे बच्चों, पी भी आपका 50% है। हाँ है ना बच्चों, देखो क्या बच्चों, एक एक आपका एस है, एक आपका पी है, तो क्या दोनों एक एक है, तो अगर आप इसको दोनों क्या बनेगा, एस आपका 50% या पी आपका 50% आएगा। फिर हम बात करते हैं एसपी टू के बारे में, तो यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे तीन जोन है, यहाँ पे आपका तीन जोन, क्या आप क्या बोलोगे, एक आपका एस है और दो आपका पी है, तो एस कितना होगा बच्चों, एस कितना होगा, एस होगा आपका 33% और पी कितना होगा बच्चों, पी होगा आपका 66%, है ना। जब बात करते हैं एसपी थ्री के बारे में, इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें एस कितना होगा बच्चों, एस कितना होगा, इसमें एस होगा आपका 25% और पी कितना होगा आपका 75%।
अब देखो एक, अब अगर आप पूछोगे कैसे है बच्चों, बहुत सिंपल, कैसे देखो एस कितना बच्चों, एस एक है पी तीन है, तो कितना टोटल, कितना और टोटल चार बना, टोटल आपका चार आया, एक आपका एस आया और तीन आपका पी 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 तीन आया, तो क्या बच्चों आप क्या करो, आप इसको 100 को 4 से डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा बच्चों, एस आएगा 25% और पी कितना है बच्चों, पी आएगा आपका 75%, राइट बच्चों, हाँ या ना, इतना पार्ट समझिए बच्चों, डन, यस सर, ओके। अब देखो बच्चों, अब हम देखो हम क्या बोलते, अब क्या बोलोगे, देखो आप क्या बोलोगे, ग्रेटर क्या बोलते हो, क्या होगा, जितना ज्यादा एस क्या होगा बच्चों, जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उतना क्या बच्चों, उतना क्या होगा वो आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्या होगा आपका, वो आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मतलब क्या बोलते, अब क्या बोलोगे देखो, ये जो आपका एल पार्ट है, ये जो कार्बन है, जो आपका एरोमेटिक कार्बन, क्या बच्चों ये कैसा है, ये आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब क्या बच्चों, ये इस पे क्या होगा, इस पे आपका ज्यादा नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है बच्चों, सिंपल सी बात है ना, बिकॉज आपका ज्यादा स्कैटर, क्यों बच्चों, बिकॉज ऑफ 33 और यहाँ पर 25 है ना, तो क्या बच्चों बॉन्ड कैसा होगा, बॉन्ड पास में आएगा, बॉन्ड आपका पास होगा, तो सिंपल सी बात है, वो आपका कार्बन और जो हेलोजन होगा उसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल, क्यों बच्चों, बिकॉज एक तो आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है और आपका जो छोटा भी है, देखो क्या, देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे आपका जो कार्बन है और यहाँ कैसा बॉन्ड शॉर्ट लिंक, देखो लिखा है द कार्बन सीएल बॉन्ड इन हेलो एल्केन, कितने बच्चों 178 पिकोमीटर है, वाइल इन द हेलो अरेन, मतलब कि जो बेंजील पार्ट है बच्चों वहां पे आपका 169 है, अब क्या बोलोगे, इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक द शॉर्टर बॉन्ड देन द लॉन्गर बॉन्ड, सिंपल सी बात है, छोटे बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत मुश्किल होगा, तो क्या होगा बच्चों, आप क्या बोलोगे, जो आपका न्यूक्लियोफाइल हो, क्या होगा बच्चों, वहां पे आपका अटैक करना बहुत आपका मुश्किल होगा, इतना बार समझ में आया बच्चों, आया, डन, खाली एक ही बच्चे को आया, यहाँ पे पचास बच्चे हैं इस क्लास के अंदर, खाली एक ही बच्चे है समझ में, हाँ जैसा अरमान कर रहे हैं, साहिल कर रहे हैं, वंश कर रहे हैं, नैन्सी कर रही है, ठीक है ना, आप थोड़ा अपना रिस्पॉन्स दीजिए, है कि नहीं, एक रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स मांगना तो इम्पोर्टेंट है ना, और बीच बीच में है ना, यस या नो बोल सकते हो बच्चों, सर समझ में आया कि नहीं, ये बोल सकते हो बच्चों, है ना, हाँ अरे आपकी आवाज़ थोड़ी आ रही है, बस बहुत कम आ रही है, ठीक है ना, ये क्या बच्चों, ये आपका हाइब्रिडाइजेशन पार्ट होगा, अब देखो अभी हम बात करते हैं आगे वाला पार्ट, अब देखो क्यों इसमें आपका एसएमएल नहीं दो, अब देखो क्या लिखा है बच्चों, इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन, मतलब क्या बच्चों, ये पार्ट इसकी बात कर रहे हैं, ये हम इसकी बात कर रहे हैं, ये स्टेबल नहीं है, ये आपका स्टेबल नहीं है बच्चों, तो आप क्या बोलोगे, द फिनाइल कैटायन फॉर्म रिजल्ट इन द सेल्फ आयनेशन एंड विल नॉट बी स्टेबलाइज बाय द रेजिन, देयरफॉर क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपका एसएन मैकेनिज्म नहीं होगा, अब देखो ये हमने पढ़ लिया, दूसरा रीजन क्या बच्चों लिखा है, बिकॉज ऑफ द पॉसिबल रिपल्शन इट इज लेस लाइकली टू द इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल अप्रोच द इलेक्ट्रॉन फिल अरेंज, अब देखो हमने क्या देखा बच्चों, ये हमने देखा ये वाला पार्ट, ये हमने ये वाला पार्ट देखा, ये देखा ये क्या बच्चों, ये आपका इलेक्ट्रॉन रिच, क्यों बच्चों देखो इसके क्या है, इसके आपका लोन पेयर भी है, और क्या बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका ऑर्थो पे और पैर क्या आपका क्या रहा है बच्चों, क्या आएगा बच्चों आपका नेगेटिव चार्ज भी आ रहा है, तो कैसा होगा ये, तो क्या क्या होगा बच्चों, ये किसा, ये आपका इलेक्ट्रॉन रिच है, अब देखो ये भी आपका इलेक्ट्रॉन रिच है और आपका न्यूक्लियोफाइल के बच्चों ये भी आपका इलेक्ट्रॉन रिच है, तो क्या बच्चों दोनों आपका जल्दी आपका रिएक्ट नहीं करते, जल्दी आपका ये रिएक्ट नहीं करते, ये आपको कहने की कोशिश की बच्चों, इतना पर सबको समझ में आया बच्चों, हाँ है ना, यस सर, ओके। तो एक बात देखो, एक बात क्या बच्चों, ये जो मैंने पार्ट लिखा है एक बार सारे बच्चे इसको प्रॉपरली देख लो अच्छे से, और हो जाए तो मुझे फिर आगे बताना, फिर आगे बढ़ते हैं। डन सारे बच्चे, यस सर, तो ये पूरा तो रेजोनेंसल पार्ट आ गया, यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे आपका पार्शियल कार्बन क्लोरीन के बीच बॉन्ड बन रहा है, आगे वाला पार्ट, ठीक है, ये क्या बोलो, यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन, तब क्या बोलोगे, जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, है ना,
और क्या बोलोगे, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड और पास आएगा तो क्या होगा, छोटे बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, यहाँ पे वो बताया गया है। एड बच्चा डन yes. फिर क्या बोला लिखे बच्चों, जो आपका फिनाइल वो क्या होगा, वो आपका ज्यादा अनस्टेबल है। और क्या बच्चों होगा आपका फोर्थ पॉइंट के बच्चों, आपका ये भी कैसा है, दोनों आपका इलेक्ट्रॉन रिच है तो क्या होगा आपका यहाँ पे अटैक नहीं हो पाता। लेकिन देखो फिर भी क्या होता है बच्चों, फिर भी हम क्या करते हैं आपका क्या करते हैं आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करा भी करा देते हैं, लेकिन क्या होता है उसमें आपका टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज्यादा हाई रखते हैं। तो मैं अभी हम उसको देखते हैं तो आपको अच्छे से प्रॉपरली समझ में आएगा। ठीक है बच्चों आगे बढ़े। ओके यस सर यस यस सर। हाँ आगे बढ़ते हैं। देखो ये देखो बच्चों ये इसका क्वेश्चन है, ये आपका ये पार्ट दिया है। यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, देखो यहाँ पे लिखा है, ये लिखा है दैट इज क्लोरोबेंजीन इज कन्वर्टेड टू फिनॉल। फिनॉल मतलब क्या बच्चों, बेंजीन ऊपर OH पार्ट आ गया। अब देखो OH किस आएगा, ये ऐसा आएगा बच्चों, देखो ये बने आपका Na प्लस बनेगा और ये क्या होगा बच्चों आपका OH माइनस बनेगा। हाँ है ना बच्चों। अब देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ऐसा होगा ना CLS से निकलेगा और यहाँ पे OH माइनस यहाँ पे अटैक कर देगा, लेकिन ये होना बहुत मुश्किल है। तो क्या लिखा बच्चों, देखो इट इज हीटेड इन द एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड द टेम्परेचर ऑफ दिसमस के, मतलब आपका 623 केल्विन से तब होगा और आपका 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर, मतलब आपको सोचो कितना प्रेशर डालेंगे तब जाके होगा बच्चों आपका क्लोरोबेंजीन आपका क्या बनेगा, आपका क्या बनेगा बच्चों आपका फिनॉल बनेगा बच्चों। इतना पार्ट समझो। देखो अब देखो हुआ क्या हुआ ये, अब देखो हमने क्या बोला बच्चों, ये कैसा बच्चों, ये कैसा है, ये आपका इलेक्ट्रॉन रिच है, ये क्या बच्चों आपका इलेक्ट्रॉन रिच है। तो यहाँ पे हम करते क्या बच्चों, देखो हम यहाँ पे एक ऐसा ग्रुप ऐड करते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, हम यहाँ पे ऐसे ग्रुप ऐड करते हैं, क्या कहते हैं, जो आपके इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करे। तो क्या कहते हैं बच्चों, हमें क्या कहते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे आपका नाइट्रो ग्रुप को ऐड करते हैं, आपका ये जो क्लोरोबेंजीन है हम यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप को ऐड करते हैं। तो जैसे ही आपका यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप ऐड करते क्या क्या करें बच्चों, नोट क्या करेगा आपका इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा और क्या होगा बच्चों आपका इलेक्ट्रॉन थोड़ा जो आप करेंगे क्या होगा, वो आपका इलेक्ट्रॉन इनडेफिशिएंट हो जाएगा, क्या थोड़ा खत्म हो जाएगा, फिर जो आपका जो न्यूक्लियोफाइल है ये आपका जल्दी अटैक कर लेगा। इतना परसेंट है बच्चों। हाँ या ना सर। अब देखो देखो यहाँ पे लिखा है बच्चों, यहाँ पे लिखा है बच्चों क्या लिखा है, देखो द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑफ फिलेट, क्या होगा बच्चों, ये आपका रिएक्टिव इंक्रीज कर देता है। जो सिंपल से बात है क्या होगा बच्चों, आपका न्यूक्लियोफाइल आएगा है ना, न्यूक्लियोफाइल आएगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कर रहा है बच्चों, क्या कर रहा है, ये आपके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल कर रहा है ना, तो क्या होगा बच्चों, क्या होगा आपका जो रिंग में जो इलेक्ट्रॉन क्या वो कम हो जाएंगे, तो क्या होगा आपका न्यूक्लियोफाइल आपका जल्दी आराम से अटैक कर लेगा। इतना पट समझ आया बच्चों? हाँ है ना। यस सर। ओके बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ सकते सर बच्चे, अगर आपको प्रॉपरली समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं, तो आपको इसके एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा और आगे बताऊंगा। थैंक यू टीना, थैंक यू अजय। ओके आगे बढ़ते हैं। ये पार्ट अब देखो बच्चों, ये पार्ट देखो अब देखो, अब मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या डिफरेंस आ रहा है। देखो देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, देखो आप देखो अगर मैं आपको ये बोल दूँ, यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका नाइट्रो ग्रुप है, यहाँ पे आपका नाइट्रो ग्रुप है ना, यहाँ पे भी एक नाइट्रो ग्रुप है और आपका यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है, और हो क्या बच्चों, ओ एच आपका न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और यहाँ नहीं मेजर मायने नहीं आ रहा, देखो यहाँ मेजर मायने नहीं है, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका जो यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल क्या बच्चों, जो आपका ओ एच में न्यूक्लियोफाइल ये आपका आ रहा है बच्चों, ये आपका आ रहा है। अब देखो डिफरेंस क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे डिफरेंस ये आ रहा है, पहले कितना था बच्चों, पहले टेम्परेचर आपका था 443 केल्विन, अब कितना हो गया बच्चों आपका, हो गया 368 केल्विन। देखो पहले कितना बच्चों, जब आपका नाइट्रो ग्रुप क्या था बच्चों, कितना था आपका 623 केल्विन था और आपको वहां पे आपका 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर ऐड करना था, जब वहां पे आपका नाइट्रो ग्रुप ऐड नहीं कराया था, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, क्या हुआ, जैसे कि आपने क्या किया, जैसे आपने एक नाइट्रो ग्रुप को ऐड किया तो क्या हुआ बच्चों, टेम्परेचर कितना हो गया बच्चों, हो गया आपका 443 कम हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका दो नाइट्रो ग्रुप को ऐड करा दिया तो क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे टेम्परेचर और कम हो गया, तो क्या क्या होगा बच्चों, आप क्या बोलोगे, जो आपका न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, क्या होगा बच्चों, ये आपका जल्दी इसको रिएक्ट कर लेगा, जल्दी आपका क्या अटैक कर लेगा। इतने पर समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ या ना।
ओके बच्चों, ये पार्ट है ना, ये पार्ट समझ गए। अब देखो आगे देखते हैं, ये पार्ट देखो, ये दिख रहा है बच्चों, ये पार्ट। यस सर, यस सर। अब देखो, यस सर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे कैसा हो रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका तीन हाइड्रोजन ग्रुप, कौन सा बच्चों, कौन सा आपका NO2 ग्रुप है, ये ग्रुप भी है और आपका ये ग्रुप भी है। अब यहाँ पे क्या सील माइनस है आपके, यहाँ पे घर गर्म कर रहे तो क्या, यहाँ पे आपका OH आपका आ जा रहा है। तो मतलब क्या हो, आप क्या बोलोगे, जितना ज्यादा नाइट्रो ग्रुप हम ऐड करेंगे, मतलब कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप हम ऐड करेंगे, आपका क्या होगा बच्चों, आपका न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक कर लेगा, कहाँ पे, आपका सेल की जगह पे बच्चों। इतना पार्ट समझ गए बच्चों, हाँ या ना? यस यस सर। अबे बच्चों यहाँ पे टर्म हम सीखते बच्चों, हम क्या यहाँ पे टर्म क्या सीखते बच्चों, देखो हमने क्या देखा था, जब हम क्लोरो बेंजीन बनाते हैं तो होता क्या बच्चों, हम क्या क्या होता बच्चों, आप क्या बोलोगे, ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पे क्या होता बच्चों, वहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज आता है, मतलब क्या, वहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है। अब देखो हम आपका नाइट्रो ग्रुप उसी जगह पर डालेंगे जहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है बच्चों, देखो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा, तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, यहाँ पे तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, यहाँ पे तो यहाँ पे हमने हमने NO2 ऐड कर दिया। अब देखो क्या हमने आपका मेटा क्या हमने मेटा पोजीशन पे NO2 ऐड किया बच्चों, हमने वहाँ पे ऐड नहीं किया, क्यों नहीं, क्यों क्यों नहीं किया बच्चों, बिकॉज वहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज वहाँ पे आ ही नहीं रहा था, इसलिए क्या होगा बच्चों, अगर आप वहाँ पे ऐड करते तो क्या फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ऑफ आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं। इतना पर्सेंट बच्चों समझ गए बच्चों, हाँ या ना? यस सर। ओके, तो इतना पार्ट आपको प्रॉपरली यहाँ पे समझना है, ठीक है? तो हमने क्या देखा बच्चों, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रो ऐड करेंगे कहाँ पे बच्चों, ऑर्थो और पैरा पे, तो क्या होगा बच्चों, आपका न्यूक्लियोफाइल आपका जल्दी अटैक कर लेगा। और हमने क्या देखा बच्चों, हमने क्या देखा, जो आपका मेटा पोजीशन है, क्या बच्चों वहाँ पे ऐड करो या ना ऐड करो, वहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्यों बच्चों, बिकॉज वहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज बन ही नहीं रहा है बच्चों, सिंपल सी बात है। डन सारे बच्चे? यस सर। यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। तो इतना पार्ट सारे बस समझ गए, अगर इतना पार्ट सारे बस समझ गए तो देखो इसका एक प्रॉब्लम देख लो, इसको देख लो, इतना पार्ट अगर सारे बस समझ गए तो क्या फिर हम आगे बढ़ सकते हैं, फिर हम इसको आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू करिश्मा, थैंक यू साहिल, थैंक यू वंश, थैंक यू सारे बच्चे। थैंक यू समृति, थैंक यू मनीष, थैंक यू रोहित, थैंक यू लबेना। ओके, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते, ठीक है, आगे बढ़ते। ओके, अब देखो ये क्या बच्चे, ये इसका देखो, ये इसका एग्जांपल है। अब देखो बहुत बहुत डरावना दिख रहा होगा लेकिन बहुत सिंपल है, बहुत ही आपका डरावन दिख रहा होगा लेकिन ये आपका बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अब देखो बच्चों मैं आपको बताता हूँ कैसे हमने कैसे किया, ध्यान समझो, ध्यान समझना हमने कैसे किया। देखो डिफिकल्ट बिल्कुल भी, वापस बोल रहा हूँ, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान समझो, ठीक है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे देखो ये क्या बच्चों, ये आपका है क्लोरोबेंजीन, राइट, है ना? Yes. देखो यहाँ पे क्या लगा बच्चों, हमने यहाँ पे नाइट्रो, नाइट्रो ऐसे पार्ट ऐसा होता है, ऐसे नाइट्रो के ऊपर यहाँ पे नाइट्रो है, डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ओ नेगेटिव, यहाँ पे क्या है आपका पॉजिटिव आएगा, ठीक है बच्चों? ये आपका नाइट्रो ग्रुप है, हाँ या ना, है ना? अब देखो, yes, अब देखो, अब क्या है बच्चों, क्या है आपका जो आपका OH में न्यूक्लियोफाइल है ये आपका अटैक करेगा। अब देखो अब क्या होगा बच्चों, दो सिंपल कैसे होगा, देखो क्या होगा, ये आपका बॉन्ड दिख रहा है ना, ये बॉन्ड आपका ऐसे ब्रेक होगा, ठीक है? ब्रेक तो कैसे बनेगा बच्चों, कैसा होगा, आप क्या बोलोगे, यहाँ पे आएगा नेगेटिव और यहाँ पे आएगा बच्चों आएगा पॉजिटिव, आएगा कि नहीं आएगा बच्चों, हाँ या ना? देखो यहाँ पे सी लिखे और यहाँ पे आपका एक OH है, और क्या बच्चों, क्या बच्चों, ऑर्थो पे आपका नेगेटिव चार्ज बन रहा है, यहाँ बॉन्ड है, यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका NO2 ग्रुप यहाँ पे अटैक है, इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है। अब देखो अब क्या होगा बच्चों, बहुत सिंपल, देखो
ये नहीं टू आपको क्या होगा यहाँ पे बनेगा और क्या कैसे होगा ये बॉन्ड आपका ऐसे यहाँ पे देखो क्या बच होगा सर ये बने नेगेटिव और क्या बच्चों यहाँ पे आपका डोलमेंट बना हाँ है ना बच्चों इतना समझ गए डन यस सर अब देखो अब क्या बच्चों देखो ये पुट करेगा है ना ऐसा मतलब कि रिजल्ट बनेगा अब क्या बच्चों कैसा होगा देखो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा तो ऐसा बने बच्चों ऐसा बनेगा देखो ऐसा बनेगा यहाँ पे आपका NO2 आ गया यहाँ पे डबल बॉन्ड था यहाँ पे डबल बॉन्ड था ये क्या बच्चों यहाँ पे आपका बना नेगेटिव पार्ट राइट देखो 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 अगेन बोलो बच्चों अगेन बोल रहा हूँ आपको है ना बॉन्ड तोड़ना आना चाहिए और आपको बॉन्ड तो ना आ गया तो आप आराम से बना लेंगे ठीक है बच्चों हाँ या ना यस सर यस सर यहाँ पे सेल यहाँ पे OH है अब देखो सॉरी यल पार्ट हाँ अब क्या हो बच्चों अब क्या होगा देखो क्या होगा बच्चों देखो ये सेल ऐसे निकलेगा है ना सेल निकले तो क्या होगा सेल निकले तो क्या ऐसा बनेगा ना सेल नेगेटिव क्या होगा यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव बनेगा और क्या बच्चों बनेगा आपका नेगेटिव पॉजिटिव क्या क्या करेंगे आपके यहाँ पे आपका बन फॉर्म क्या बन गया आपका ये बन गया आपका फिनोल ऐसा बन गया ये आपका ऐसा बन गया OH और यहाँ पे क्या बन गया आपका N2 आ गया समझे बच्चों हमने कैसे किया सारे बच्चे डन देखो बच्चों हेलो 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 यस सर देखो आपको देखो आपको है ना रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना आता है आना चाहिए अब मुझे बताओ किन बच्चों को रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता अगर नहीं आता मुझे पूछो मैं आपको सिखाता हूँ देखो देखो सर बच्चों बता वापस दो बताओ हाँ बता रहा हूँ ध्यान समझो कैसा होता है देखो ध्यान समझो कैसे बता दो यस बताओ ठीक है बच्चों ये आपका बेंजीन राइट ये आपका बेंजीन है अब देखो मान के चलो क्या बच्चों यहाँ पे आपका सीएल पार्ट यहाँ पे आपका सीएल है यहाँ पे आपका सीएल है ना अब सीएल के पास क्या बच्चों लोन पर है या नहीं है ना यस सर अब देखो मान के चलो मान के यहाँ पे क्या बच्चों यहाँ पे क्या मान के चलो पार्ट हुआ देखो ये बॉन्ड ऐसा ब्रेक हुआ मतलब क्या बच्चों ये यहाँ देखो ये कार्बन है और ये कार्बन है क्या बच्चों ये जो डबल आप कैसे ब्रेक होते क्या ऐसा बनेगा ये बना नेगेटिव और ये बना आपका पॉजिटिव राइट अब देखो कार्बन पॉजिटिवल नहीं है क्या क्या होगा बच्चों ये लोन पे क्या जाएगा ये लोन पे आपका यहाँ पे आएगा आए कि नहीं आएगा आएगा यस सर तो क्या कैसा होगा बच्चों कैसा होगा यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे डबल बना और यहाँ पे क्या बना बच्चों बना आपका पॉजिटिव चार्ज बना हाँ या ना यस सर अब देखो अब यस सर अब आप अब क्या बच्चों ये डबल बॉन्ड है अब ये डबल बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो तो कैसा ऐसा बनेगा तो ऐसा बनेगा ये बनेगा नेगेटिव ये बनेगा पॉजिटिव अब देखो नेगेटिव पॉजिटिव क्या क्या करते हैं बच्चों क्या करते हैं बॉन्ड बनाते हैं है ना ऐसा होगा अब देखो अब क्या बच्चों ये डबल बॉन्ड है अब ये डबल बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो तो कैसा बनेगा ऐसा बनेगा देखो ये बना नेगेटिव ये बना पॉजिटिव इसको हटाओ अब क्या बनेगा अब ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव क्या हो क्या बने क्या बने बच्चों ये बने ऐसा बॉन्ड बना बच्चों हाँ या ना बना बना बच्चों अब यस अब क्या होगा अब क्या होगा बच्चों अब क्या होगा ये नेगेटिव यहाँ पे जाएगा तो क्या बच्चों ये नेगेटिव ऊपर आएगा तो कैसा ऐसा बन जाएगा ये ऐसा जाएगा और यहाँ क्या यहाँ पे आपका लोन पे वापस ऐसा तो यहाँ पे क्या इसको क्या बताओ इसको कहते हैं आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखो डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है आप है ना आप सारे बच्चे 10 से 15 मिनट लो और ऐसा बॉन्ड को शिफ्ट करो मैं गारंटी बोल रहा हूँ आपको बॉन्ड शिफ्ट करना आ जाएगा आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा बच्चों तो देखो मान के चलो ये आपका कैसा है ये आपका कार्बन डबल बॉन्ड है अब देखो जहां पे देखो अगर मैं आपको कैसे बोल ये अगर मैं इससे बॉन्ड ब्रेक किया तो आप क्या बोलो बच्चों आप इसको हटाओ डबल हटाओ क्या होगा बच्चों यहाँ पे आएगा नेगेटिव और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव देखो बच्चों जहां पे आपका एरो जाएगा वहां पे क्या होगा बच्चों वहां पे आपका नेगेटिव चार्ज आएगा बच्चों इतना पार्ट सारे बस समझ गए डन यस सर अब देखो ये पार्ट अब यहाँ पे देखो बच्चों ये दिख रहा है ये दिख रहा है सारे बच्चे यस सर अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है देखो सिंपल से यहाँ पे OH है ना देखो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो तो क्या बना यहाँ पे नेगेटिव बना होगा
यहाँ पे नेगेटिव बना होगा, यहाँ पे पॉजिटिव बना होगा, है ना। देखो यहाँ यहाँ पे कोई बॉन्ड दिख रहा है, अब भी रिक्टिफाई लगा के यहाँ पे अटैक है तो क्या बना, ऐसा बना, देखिए ऐसा बन गया, है ना। तो ये आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए कि हम बॉन्ड कैसे बना रहे हैं, तो आपके आप आराम से उसको देख पाओगे अच्छे से। डन सारे बच्चे? यस यस सर। अब देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या क्या देखो, यहाँ पे इन्होंने बॉन्ड को शिफ्ट किया, देखो कैसा हो, देखो कैसा क्या है, डबल बॉन्ड यहाँ पे था, ये यहाँ पे गया, ये यहाँ पे गया, फिर क्या बच्चों, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे था, ये यहाँ पे, तो ये यहाँ पे गया, तो क्या बच्चों, ये आपका सीएल से निकल गया। कैसे निकले सीएल, कैसे निकले बच्चों, कैसे निकलेगा आपका, कैसे निकलेगा आपका सीएल, माइनस बन निकलेगा ऐसा। तो देखो सिंपल सी बात है, आपको है ना बॉन्ड को शिफ्ट कराना चाहिए, और आपने बॉन्ड को शिफ्ट कर दिया तो आप आराम से क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है बच्चों। डन? यस सर। यस सर। ओके बच्चों, सारे बच्चों को समझ में आना चाहिए, सारे बच्चे अच्छे समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो ये वाला पार्ट, अब देखो यहाँ पे नेटवर्क कहाँ पे था बच्चों, कहाँ पे था, ये आपका पैरा पे था, अब कहाँ पे बच्चों, ये आपका ऑर्थो में। अगर आपका एग्जाम में मैकेनिज्म नहीं पूछा है तो आप आंसर लिख सकते हो, अगर मैकेनिज्म पूछा है तो आप तब आपको ऐसा बनाना पड़ेगा। देखो देखो होता क्या बच्चों, चैप्टर में अगर जहाँ मैकेनिज्म है वहीं से एग्जाम क्वेश्चन आएगा, आपको अगर मैकेनिज्म नहीं दिया बच्चों तो वहां से आपका मैकेनिज्म नहीं आने वाला, ठीक है। यस यस सर। अब देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या, देखो यहाँ देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका मेटा पे देखो, यहाँ पे आपका मेटा पे आपका एनोड डाला, देखो जैसे हमने यहाँ पे मेटा पे डाला बच्चों, यहाँ पे हमने एनोड डाला तो कुछ फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्यों बच्चों देखो यहाँ पे देखो ऑर्थो क्या, कहाँ पे देखो नेगेटिव कहाँ पे आ रहा है बच्चों, ऑर्थो पे नेगेटिव आ रहा है, पैरा पे नेगेटिव आ रहा है, और आप अगेन आपका यहाँ पे ऑर्थो पे नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पे मेटा पे डालने जरूरत क्या बच्चों, है ना। हमको इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग कहाँ पे डालना बच्चों, जहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है बच्चों, ठीक है बच्चों, समझिए एक बार। डन? यस। तो ये आपको प्रॉपर पता होना चाहिए, ठीक है ना। ओके अब देखो ये पार्ट, अब ये जरा पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे कौन, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे नहीं हरे, आप रहें तो आपकी आवाज कम आ रही है, हाँ ना इनसे पढ़ो बच्चा, पढ़ो। The halogens of haloarenes can be substituted by OH negative, NO2 negative, or CN negative with appropriate nucleophilic reagents at high temperature and pressure. तो यहाँ पे क्या बोलते हो, ये कैसे बच्चों, ये आपका OH minus nucleophile है, ये आपका NH2 minus nucleophile है, और आपका यहाँ पे CN minus nucleophile है, ठीक है बच्चों, ये सर आपके nucleophile। अब यहाँ पे क्या बोला बच्चों, अगर हम क्या करते हैं आपका, अगर हम क्या करते हैं टेम्परेचर बढ़ाते हैं एंड प्रेशर बढ़ाते हैं, क्या होगा बच्चों, तभी क्या होगा बच्चों, तभी आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट होगा, अदरवाइज सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। देखो ये क्या बच्चों, देखिए आपने सी सी इस पर लिखा, मतलब ये वो पार्ट होगा, ये एल पार्ट है, यहाँ पे सी एल है, देखो टेम्परेचर क्या होगा बच्चों, टेम्परेचर क्या, देखो यहाँ पे देखो NOH डाल दिया है ना, टेम्परेचर दिया आपको 350 डिग्री सेल्सियस, और क्या लिखा बच्चों आपका 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो इतना टेम्परेचर इतना प्रेशर, तो तभी क्या होगा बच्चों, तभी क्या होगा, तभी क्या होगा बच्चों, तभी आपका क्या होगा, आपका यहाँ पे आपका ये आपका अटैक होगा, मतलब केस बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। इसका नाम क्या बच्चों, इसका नाम क्या है, इसका नाम आपका, इसका नाम आपका, इसका नाम क्या आपका, डोपरेशन, बिकॉज ये आपका डोपरेशन, ठीक है। दूसरा पढ़ के बच्चों देखा क्या लिखा, लिखा आपका 2 मोल अमोनिया लिया है, तो क्या बच्चों क्या बने आपका बनेगा, ये बने आपका अनिल बन जाएगा, ये क्या बच्चों, ये आपका क्लोरो बेंजीन है, के लिए बच्चों आपने 2 मोल अमोनिया लिया, क्या है बच्चों टेम्परेचर रखा, टेम्परेचर 250 रखा और प्रेशर 58 पास्कल रखा, तो क्या बने बच्चों, तब ये बना, ये बन गया आपका, क्या बन गया, ये बन गया, दैट इज NH2, क्या नाम है इसका बच्चों, इसका नाम आपका है, नाम है एनिलीन, इसका नाम है, ठीक है बच्चों। फिर हमने के लिए हमने लिया आपका कॉपर, हमने के लिए बच्चों हमने कॉपर साइड लिया है ना, हमने यहाँ पे कॉपर साइड लिया, और क्या लिया बच्चों हमने पे टेम्परेचर रखा, बेस डाला, बेस क्या बच्चों आपका PY, PD ने, और क्या बना बच्चों, ये आपका आंसर बन गया,
दैट इज नाम क्या, क्यों का नाम है फिनाइल साइनाइड इसका नाम। इतना पढ़ सब समझ में आ रहा बच्चों? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो टेम्परेचर और ये पार्ट है ये आप इम्पोर्टेंट, ये जो रीजन बच्चों ये रीजन आपका आई एम पी वाला पार्ट। डन बच्चे तब पार्ट? यस सर। ओके, तो ये पार्ट आपको यहाँ पे आपको प्रॉपर यहाँ पे समझना है। अगर ये आपको प्रॉपर समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ सकते। डन? यस सर। यस सर। अब देखो, अब हम आगे बढ़ते। देखो ये जो पार्ट है ये आपको है ना फास्ट, ये आपको है ना फास्ट रिवीजन करने में हेल्प होगा, ये आपका फास्ट रिवीजन करने में आपको हेल्प होगा। कौन सा बच्चों? ये पार्ट, ठीक है ना, ये आपको वहां पे हेल्प होगा, ठीक है। ये पार्ट मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब देखो अभी हम क्या पढ़ने वाले बच्चों, अभी हम पढ़ने वाला आपका इनेंशियोमर क्या होता है, रिटेंशन क्या होता है, रेसिमेशन क्या होता है, ध्यान समझना बहुत सिंपल है, ठीक है ना। अभी मैं यहाँ पे इसको बता रहा हूँ तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है ना। ध्यान समझना बच्चों, ध्यान समझना मैं क्या बता रहा हूँ। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, हम बात करते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। दो सेकंड को बच्चों, हेलो बच्चों मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ओके, अब देखो अभी हम बता आपको ऑप्टिक एक्टिव क्या होता है। अब देखो ऑप्टिकली एक्टिव ऐसे कंपाउंड होते हैं बच्चों, ऐसे कंपाउंड होते हैं क्या होते हैं, जो जो आपका पोलारीमीटर क्या होता है, आपका प्लेन पोलराइजेशन को रोटेट करता है। क्या क्या करें बच्चों? उसको रोटेट करें, क्या करें बच्चों? यहाँ पे पोलारीमीटर में बच्चों प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करें। अब देखो किस साइड करेंगे बच्चों? अगर उसने क्या, उसने अगर उसने आपका राइट साइड रोटेट किया तो क्या हो बच्चों, कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, बोलेंगे आपका डी स्मॉल, क्या बोलेंगे उसको, बोलेंगे डेक्सटर। और साइन क्या होगा बच्चों? साइन होगा आपका प्लस साइन होगा, ठीक है ना। अगर मान के चलो क्या किया उस कंपाउंड ने, क्या उस ऑप्टिकल कंपाउंड ने क्या, उसको क्या कर दिया आपने, उसको लेफ्ट साइड रोटेट किया, कि क्या होगा बच्चों, कैसे होगा बोलेंगे, सिंबल है आपका अल्फा, मलिको बोलेंगे क्या होगा, क्या होगा यहाँ पे आपका माइनस एन है। तो क्या बना बच्चों, ये क्या बना आपका, ये बना आपका लियो फॉर्म। अब देखो अभी मुझे पूछोगे कि सर ऑप्टिकली कौन होता है, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे जो भी मोलिक्यूल कैसे बच्चों, क्या बच्चों कायरल, क्या आपका क्या है कायरल, वो क्या होगा बच्चों, वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब कायरल मतलब क्या होता है बच्चों, आप ऐसा बोलोगे अगर मांग चो कार्बन है, मांग चो बच्चों कार्बन, अगर आपका कार्बन किसे बच्चों, कैसे बच्चों, ऑल ग्रुप्स आर डिफरेंट, क्या बच्चों, अगर इसमें सारे ग्रुप डिफरेंट, क्या होगा बच्चों ये बन जाएगा कारण। अब देखो आपको मैं और एक बात बता दूंगा, जब हम बात करते कैरल बच्चों क्या होता है बच्चों, ये क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका ए सिमेट्रिक, कैसा बच्चों होता है आपका, होता है ए सिमेट्रिक होता है। इतना परसेंट है बच्चों? हाँ या ना? यस यस सर। देखो ये जो पार्ट है, देखो ये जो पार्ट है ये मैंने आपको ना पहले बताया, क्या बताया था बच्चों, मैंने आपको बताया था आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कि ऑप्टिकल एक्टिव क्या होता है। अगर वो कैरल है तो क्या होगा बच्चों, वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा, वो क्या बच्चों होगा आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और क्या कहेंगे हम उसको ए सिमेट्रिक के, उसमें क्या कहेंगे आपका ए सिमेट्रिक कार्बन के। इतना पार्ट सब समझ आया बच्चों? हाँ या ना? यस सर। ओके ये लगा पार्ट, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इनेंशियोमर क्या हो रहा है। अब देखो इनेंशियोमर मतलब क्या होगा, आप क्या बोलोगे, कैसा होगा बच्चों, अगर आपका देखो क्या लिया बच्चों, आपने कैल कंपाउंड लिया है ना, उस कंपाउंड के लिए आपने क्या लिया बच्चों, उस कंपाउंड के लिए आपने लिया मिरर इमेज,
मिरर इमेज लिया, और कैसा हुआ बच्चों, कैसा हुआ, आपने उसको आपने ये बच्चों आपने उसको सुपर इम्पोज कराया, और क्या बच्चों क्या क्या हुआ बच्चों, ये वो क्या हुआ, वो आपका सुपर इम्पोज नहीं हुआ, वो आपका सुपर इम्पोज नहीं हुआ। तो क्या कह रहे ओके कह रहे बच्चों, वो कहलाए आपको कहलाए आपका इनेंशन, क्या कह रहे बच्चों, वो आपका इनेंशन में कहलाए। क्या समझ में आ रहा है बच्चों, है ना, आपने उस कंपाउंड का मिरर इमेज लिया और क्या किया उसको उसको सुपर इम्पोज करे, क्या हुआ बच्चों, वो आपका सुपर इम्पोज नहीं हुआ। तो क्या 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 कहलाए बच्चों, वो कहलाए आपका, वो आपका इनेंशन, वो आपका इनेंशन में कहलाए। अब जैसे अल पार्ट ये दिख रहा है बच्चों, देखो क्या लिखा, क्या लिखा, देखो दे आर द नॉन सुपर इम्पोजल मिरर इमेज आर कॉल्ड इनेंशन, आर कॉल्ड इनेंशन। ठीक है बच्चों, अब देखो ये क्या बच्चों लिखा है आपका डायस्टेमर, अब देखो डायस्टेमर क्या होता है बच्चों, ये आपका नॉन सुपर इम्पोजल होता है, और क्या होता है बच्चों, ये आपका क्या होता है, ये आपका मिरर इमेज भी नहीं होता, क्या था ये, क्या था बच्चों, ये आपका मिरर इमेज भी नहीं होता। तो उससे क्या कहेंगे बच्चों, उससे कहेंगे आपका, इससे कहेंगे आपका डायस्टेमर, मतलब क्या होगा बच्चों, आप क्या बोलोगे, ये आपका मिरर इमेज भी नहीं है और आपका नॉन मतलब कि सुपर इम्पोज भी नहीं हो रहा, तो क्या कहेंगे उसमें बच्चों, हम उसको डायस्टेमर कहेंगे। इतना बात समझ आया बच्चों, डन, यस सर, यस सर। अब देखो यहाँ पे देखो यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा ये पढ़ना, क्या लिखा बच्चों, देन ऑब्जेक्ट दैट कैनॉट बी सुपर इम्पोज्ड ऑन द मिरर इमेज आर कॉल्ड डैश कारण, देखो यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, लिखा लिखा है द नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज को क्या लिखा बच्चों, इनेंशन में लिखा है, मतलब क्या हुआ बच्चों, अगर वो कारण है तो क्या बच्चों क्या होगा, वो आपका इनेंशियोमर भी होगा बच्चों, है ना, होगा, बोलो बच्चों। यहाँ पे क्या लिखा है, द कायरल ऑब्जेक्ट्स आर द नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, है ना। अब देखो क्या लिखा बच्चों, नॉन कायरल आर द नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, ये क्या होगा बच्चों, ये क्या होगा बच्चों, ये कैसा होगा, ये होगा आपका आइडेंटिकल, ये होगा आपका आइडेंटिकल, क्या होगा, जो होगा आपका आइडेंटिकल। मैंने बच्चे हेल्प पार्ट, सारे बच्चे, यस सर, यस सर, ये हेल्प पार्ट क्वेश्चन आया बच्चों, कायरल क्या होता है, इनेंशियोमर क्या होता है और डायस्टेमर क्या होता है ना, ये सबको पता चल गया। अभी देखो अभी हम किससे बात करेंगे बच्चों, अभी हम बात करेंगे आपका रिटेंशन, इन्वर्जन और रेसिम मिक्स की बात करें, ये बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल बताता बताता हूं। देखो बच्चों जब बात करते हैं इन्वर्जन की बात करते हैं, मांग के कैसे बच्चों, ये आपका क्या है, आपका कार्बन और यहाँ पे आपका Br का बॉन्ड है, ये इसका मतलब क्या बच्चों, इसका मतलब क्या है, ये आपका है अबव द पेयर, ये कैसे बच्चों, मतलब कि कैसे बच्चों, इसका नाम आपको बोलते हैं वेज, वेज मतलब क्या बच्चों होता है आपका, अबव द प्लेन होता है। मान सो क्या यहाँ पे आ रहा है बच्चों, यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, अब क्या बच्चों न्यूक्लियोफाइल क्या कहाँ से आएगा बच्चों, मान सो बैक साइड से आया, तो कैसे बने, ऐसा बन गया बच्चों, ऐसा बन जाएगा, ये आपका क्या बन गया बच्चों, ये अभी आपका जो आपका कार्बन है और जो उसके साथ आपका विरोध प्लेन बन गया बच्चों, तो कैसा हो बच्चों, कैसा हो गया, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका इन्वर्ट, कैसा हो गया, वो हो गया, यह हो गया इन्वर्शन, मतलब कि आपका जिस साइड पे आपका पहले बी आर था वो उसके अपोजिट साइड पे आ रहा है बच्चों, तो कैसा उसे क्या कहेंगे बच्चों, उसमें कहेंगे, उसमें कहेंगे आपका, उसमें कहता आपका, उसमें कहता आपको बोलते इन्वर्शन, हम उसको इन्वर्शन कहते हैं। और एक किस्म होता बच्चों, ये होता, एक किस्म होता बच्चों, ये होता आपका SN, ये होता आपका SN2, ये होता आपका SN2 में इन्वर्ज होता है। इन बच्चे हेल्प पार्ट, सारे बच्चे है ना, यस सर, मतलब तो इन्वर्ज रिपीट करना एक बार, नेटवर्क प्रॉब्लम है तो सुनाई नहीं दे रहा। हाँ तो आप क्या बोलोगे बच्चों, आप ये बोलोगे मान के चलो जिस साइड पे पहला आपका BR था, आपका जो न्यूक्लियोफाइल का ये आपका बैक साइड से आ रहा है, तो क्या बच्चों उसका पोजीशन क्या हो गया, उसका पोजीशन चेंज हो गया, मतलब कि जहाँ से पहले था ये आपको उससे उल्टा हो गया, है ना, तो उससे क्या कहें बच्चों, उसमें क्या कहता है आपका इन्वर्शन। देन बच्चों हेल्प पार्ट है ना, यस सर, यस। अब देखो यस सर, अभी हम बात करते हैं रिटेंशन,
अब इसका मतलब क्या हो बच्चों, किसका मतलब क्या हो, मान के चलिए किसका बच्चों, ये आपका कार्बन और ये आपका बी आर का बॉन्ड है, मतलब क्या बहुत पेन। अब क्या रहा बच्चों, अभी आपका न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आ रहा है, ये आपका सामने से आ रहा है, तो ये ऐसा बॉन्ड बना, ये आपका ऐसे बॉन्ड बना, मतलब क्या आपका जिस साइड से गया सेम साइड से आपका आ गया बच्चों, आपका OHMS भी आ गया, तो क्या हो बच्चों, इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे, इसे हम कहते हैं आपका रिटेंशन, इसे हम कहते हैं रिटेंशन, मतलब कि क्या उसने क्या किया, उसने क्या किया बच्चों, उसने उसका क्वेश्चन रिटेन किया, जहां से गया था उसी सेम प्लेस पे क्या आया बच्चों, आ गया आपका ग्रुप आ गया, तो क्या हो बच्चों का, देखो ये पहले क्या था बच्चों, ये पहले आपका अबव द प्लेन था, ये आपका अब मतलब कि ये आपका अपसाइड था, अभी भी क्या बच्चों, ये अभी भी आपका ये अपसाइड ही है, पहले क्या था, पहले भी आपका अपसाइड था, नीचे भी अभी भी आपका अपसाइड है, तो क्या हो बच्चों, इससे कहेंगे एग्जाम में, इससे कहेंगे आपका रिटेंशन। देन बच्चे एल पार्ट, सारे बच्चे यस सर, हाँ पायल बच्चा बोलो, ओके आई गेस कुछ समझ में आ गया। अब देखो अभी हम बात किसके, अभी हम बात किसके करें बच्चों, अभी हम पढ़ आपका पढ़ रहे हैं, अभी हम बात करेंगे रेसमिक मिक्सचर, किसी बात करेंगे बच्चों, रेसमिक मिक्सचर की बात करेंगे, मांग के चुके से बच्चों, मांग के चुके, मांग के चलो आपके पास कितना, आपके पास, आपके पास दो आइसोमर है, क्या बच्चों, एक आइसोमर क्या कर बच्चों, क्या कर रहा है, एक आइसोमर आपका क्या आपका 50% के, वो आपके साथ वो आपका 50% आर है, मतलब क्या आपका राइट साइड रोटेट कर रहा है, और क्या और दूसरा क्या कर रहा है बच्चों, आपका 50% आपका क्या रहा है, ये आपका लेफ्ट साइड कर रहा है, मतलब कि कह रहा है बच्चों आपका, आपका प्लेन पूरा साइड है, एक ऐसे में क्या कर बच्चों, क्या कर रहा है उसको, जिसमें एक्चुअली आपका रियल पार्ट है, सर्कल है। अब देखो पहला आइसोमर आया, उसने क्या बच्चों, उसने क्या किया, उसने क्या किया, लाइट को, लाइट को क्या किया 50% क्या किया, 50% क्या किया, उसने आपका राइट साइड रोटेट कर दिया। अब क्या बच्चों, अभी आपका दूसरा आइसोमर आया, इसने क्या किया बच्चों, इसने क्या किया, इसने क्या किया, उसी लाइट को क्या कर दिया उसको, बैक क्या कर दिया उसको, वापस क्या कर दिया, 50% उसको लेफ्ट साइड में रोटेट कर दिया, तो इससे क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम कहते हैं आपका रेसमिक, इसे कहते हैं आपका रेसमिक मिक्सचर कहते हैं। धन बच्चे अल्पाट, सारे बच्चे है ना, यस सर, यस सर, इसमें क्या, इसमें क्या होगा, जो होगा आपका 50% आर होगा और 50% आपका लेफ्ट होगा, तो कैसा होगा, और हाँ ये कैसा होगा बच्चों, ये होगा आपका जीरो ऑप्टिकल रोटेशन, क्या होगा बच्चों यहाँ पे आपका जीरो ऑप्टिकल रोटेशन, से क्या 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 बच्चों, हम इसको रेसमिक मिक्सचर कहते हैं बच्चों, तो पढ़ समझिए बच्चों, डन, यस सर। अब देखो ये पूरा, देखो ये पढ़ा पे लिखा है, इन्वर्जन का पता बच्चों, देखो इन्वर्जन का तो होता बच्चों, इन्वर्जन आपका एसन, एसन टू में क्या होता बच्चों, यहाँ पे आपका इन्वर्जन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो ये क्या बच्चों, ये आपका एसन वन है ना, यहाँ पे आपका एसन वन है बच्चों, यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे क्या होता बच्चों, यहाँ पे आपका रेसमिक मिक्सचर बनता है, एक कैसा बच्चों होगा, एक प्लस होगा, एक आपका माइनस होगा अल्फा, और कैसा बच्चों होगा आपका, कैसा होगा, ये होगा 50%, ये होगा आपका, क्या पढ़ समझिए बच्चों, हाँ है ना, यस सर, यस सर, यस सर। अब देखो, अब देखो बच्चों, ये एक क्वेश्चन करेंगे, देखो आप क्वेश्चन क्या पूछा बच्चों, आइडेंटिफाई द कायरल एंड एकल कंपाउंड, अब कायरल कौन सा होगा और आपका एकल कौन सा होगा। अब देखो मैं क्या बोलता बच्चों, क्या बोलता बच्चों, कार्बन है, कैसे बच्चो, कार्बन है, कैसे बच्चो, अगर आपका कार्बन कैसे कैसे बच्चों, ऑल ग्रुप्स आर डिफरेंट, तो क्या होगा बच्चों, कैसा होगा बच्चों, ये कैसा होगा, ये आपका कायरल कंपाउंड होगा। अब देखो ये इसकी बात करते हैं, ये कार्बन है बच्चों, ये कार्बन है, ये क्या बच्चों, ये हाइड्रोजन आ गया, ये पहले का अलग ग्रुप है, ये मिथाइल आ गया, ये अलग है, ये बी आर, ये भी अलग है, और ये क्या बच्चों, ये आपका ओच, ये भी क्या अलग है, तो ये अलग कैसा होगा बच्चों, कैसा होगा, ये हो गया आपका कार्यल, ये कार्यल होगा, अगर ये कार्यल तो कैसा होगा, कैसा होगा बच्चों, कैसा होगा, ये होगा आपका
ऑप्टिकली एक्टिव, ये होगा आपका ऑप्टिकली एक्टिव। समझिए बच्चों, हाँ या ना, डन? यस सर। अब देखो, यस सर, ये कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ मिथाइल है। देखो देखो, ये बीआर है और ये मतलब क्या बच्चों, एक कार्बन पे दो सेम ग्रुप है, तो क्या होगा बच्चों, कैसे होगा, ये बन जाएगा आपका एक कार्बन, एक कार्बन। आगे सबको समझ में आ रहा होगा कार्बन कौन सा और एक कार्बन। आपके बोल दो सेकंड और थर्ड क्या, ये क्या बच्चों, ये आपका होगा होम, ये आपका होम। समझ बच्चों, अल्पा समझ गए, ठीक है ना? तो कायरल और ए कायरल आपको ऐसे आपको अलग करना, तो एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन पूछता है। अब देखो, जो आपका आर कैसे निकालता है, एस कैसे निकालता है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर बताऊंगा, ठीक है बच्चों? समझ गए अल्पा, डन? यस सर, यस सर, यस सर, बढ़िया, ओके ना? तो चलो बच्चों, आज से इतना काफी है, आई होप आप सबको बहुत मजा आया क्लास के अंदर, है ना? तो एंड ओके, तो यहाँ पे हम क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय सर।